दोस्तों बॉलीवुड चलोगे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित, मुंबई पुणे से। और आज हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया के 6वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो बद्रीनाथ की दुल्हनिया को रिलीज़ हुए 6 दिन पूरे हो चुके हैं और बद्रीनाथ की दुल्हनिया का कलेक्शन आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले दिन का कलेक्शन था 12 करोड़ 25 लाख रुपए, और वहीं दूसरे दिन का कलेक्शन था 14 करोड़ 75 लाख रुपए। तीसरे दिन की बात करें तो 16 करोड़ 5 लाख रुपए, और चौथे दिन की बात करें तो 12 करोड़ 5 लाख रुपए, और 5वें दिन की बात करें तो 7 करोड़ 25 लाख रुपए, और 6वें दिन यानी 6 करोड़ 8 लाख की कमाई की है बद्रीनाथ की दुल्हनिया ने। तो अगर हम इसके टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको बताएं तो 68 करोड़ 36 लाख रुपए बद्रीनाथ की दुल्हनिया का कलेक्शन हो चुका है। तो जहां तक माना जा रहा है बद्रीनाथ की दुल्हनिया शुरुआत के 4 दिन में 10-10 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा पार कर, लास्ट के 2 दिन में इसका आंकड़ा कुछ 10 करोड़ के नीचे बैठ रहा है। तो देखने वाली बात यह होगी कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया आने वाले दिनों में क्या कमाल करके दिखाएंगी। यानी वरुण और आलिया के फैंस को उम्मीद है कि ये मूवी 100 करोड़ के ऊपर पहुंचेगी, और जिस तरह से दर्शक शुरुआत में देखने पहुंच रहे थे और जिस तरह से कमेंट मिल रहे थे तो लग रहा था ये मूवी 100 करोड़ के ऊपर जाएगी। तो अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो कि अभी मूवीज़ और भी रिलीज़ होनी है आने वाले टाइम में भी, 24 मार्च को जैसे कि 2 मूवीज़ और रिलीज़ होंगी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और भी ज़्यादा बद्रीनाथ की दुल्हनिया का कम हो जाएगा। तो देखने वाली बात यह है कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया 100 करोड़ को पार कर पाती है या नहीं। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि इस मूवी में सबसे खास बात क्या थी और इन दोनों की जोड़ी में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, और इन दोनों की मूवीज़ में सबसे ज़्यादा आपको कौन सा सीन पसंद आया बद्रीनाथ की दुल्हनिया में। तो दोस्तों हमारे चैनल से लगे रहने के लिए बॉलीवुड चलोगे सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और ये बताओ कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया कितने दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब ना हो।